जैसे आप लोग वेरियंस हैं सर। जी सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? की आवाज निकली है, कितनी क्लासेस हो गई हैं सुबह से? सर, मेरा थोड़ा सा गला खराब है इस वजह से। गले का खास ख्याल करें। जी कि सब ठीक हैं? आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही हूँ। हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ज्वाइन कर रहे हैं अभी। मीन वाइल आपने सास लेक्चर में कुछ पूछना है तो पूछने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में से। पूछना चाह रहे हैं फजल? फजल आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह से हो? सर, आप सुनाए। ये आयशा फातिमा, अनम्यूट करो जरा, माइक ऑन करो। आयशा फातिमा, आयशा फातिमा ये ज्वाइन करके भी चली गई। चलें, वो चाय पी के आ जाए तो फिर बात करने में। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम लोग क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी पढ़ रहे थे, सही है? नो रिस्पॉन्स? यस सर। इसमें से हमने प्रिडिक्टिव वैलिडिटी पढ़ ली थी, इज इट यस सो? जी सर। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें असल में हम एक क्राइटेरियन बनाते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट, एक यार्ड स्टिक, जिसके साथ हम रिलेट करके देखते हैं कि हमारा नया बना हुआ टेस्ट उस तरह का है कि नहीं। अगर उसका रिलेशनशिप उस क्राइटेरियन के साथ इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट वैलिड है। ये वही कुछ मेजर कर रहा है जो कि हमने क्लेम किया है, क्योंकि क्राइटेरियन के साथ इसने रिलेशनशिप शो किया है, क्योंकि क्राइटेरियन भी वही कुछ मेजर कर रहा था जिसको भी हमने क्राइटेरियन बनाया है, तो इसलिए हमारा टेस्ट भी वैलिड है। उसमें एक क्राइटेरियन हमने पढ़ा था प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की सूरत में, कि फ्यूचर आउटकम, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिन पे भी आप टेस्ट स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस इन फ्यूचर अगर उस तरह की आती है जिस तरह की आपने अज्यूम की थी ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट, तो वो आपका टेस्ट वैलिड कंसिडर हो जाता है। सेकेंड टाइप, इसमें मैं कुछ होगा और इनको ज्वाइन करवा दूँगा। तो सेकंडली हम जो इसकी सेकंड टाइप है, दैट इज कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी में हम उसी तरह से क्राइटेरियन बनाते हैं, लेकिन इसमें क्राइटेरियन क्या होता है, मोस्ट पॉपुलर जो इसमें क्राइटेरियन होता है वो एक प्री इस्टेब्लिश्ड टेस्ट होता है। हम एक ऐसा टेस्ट जो कि पहले से डेवलप्ड है, स्टैंडर्डाइज हुआ हुआ है, यूज हो रहा है, उसको अपना क्राइटेरियन बनाएंगे, यार्ड स्टिक बनाएंगे। सपोज आपने एक डिप्रेशन का स्केल डेवलप किया है, फजल ने डिप्रेशन का स्केल बनाया है, फजल डिप्रेशन इन्वेंट्री, तो वो जो FDI बनी है उसके लिए आप एक ऑलरेडी बना हुआ डिप्रेशन का स्टैंडर्डाइज्ड स्केल साथ चूज करें जो उसी पैटर्न पे हो जिस पैटर्न पे आपने टेस्ट डेवलप किया है। तो अब ऑन द स्पॉट सेम टाइम पे आप दोनों टेस्ट को एडमिनिस्टर कर लें,
विदाउट एनी टाइम लैग आपको कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा, 6 महीने साल के आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देख के अपने टेस्ट को वैलिडेट करें, आप सेम टाइम पे दोनों को एडमिनिस्टर कर दें और दोनों के स्कोर्स को आपस में कोरिलेट करके देख लें। अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है और रिलेशनशिप इज मोर देन 0.7 और मोर देन 0.8, जो कि हमने कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप होगा जिसमें सिग्निफिकेंट भी हो, तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका वैलिडिटी कोएफिशिएंट आपको दे देगा। अगर उसके साथ रिलेशनशिप नहीं आता तो फिर हम ये सोचेंगे कि हमारा टेस्ट असल में कुछ और मेजर कर रहा है, क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था कि ये डिप्रेशन मेजर करेगा तो एक दूसरा स्केल जो कि ऑलरेडी उसकी वैलिडिटी इस्टेब्लिश हुई हुई है उसने तो ज़ाहिर है डिप्रेशन ही मेजर किया होगा, और हमारे स्केल का उसके साथ रिलेशनशिप नहीं डिवेलप हुआ, इसका मतलब हमारा स्केल डिप्रेशन के अलावा कुछ मेजर कर रहा है। या अगर वीक रिलेशनशिप आया है तो उसमें कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनको रिवाइज करने की ज़रूरत है जो असल में प्रॉब्लम कर रही हैं, और कोरिलेशन उसका जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा या सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, तो हम उसको उन आइटम्स को जो है वो रिवाइज करेंगे। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है, कुछ मौक़ों पर कुछ ऑथर्स वो करते हैं, सब नहीं करते, कि हम एक्चुअली जो परफॉर्मेंस उस वक्त के लोगों की है वो परफॉर्मेंस ले लें और अपना नया टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर कर लें, बिल्कुल वैसे जैसे प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में परफॉर्मेंस फ्यूचर में जाके देखते, तो यहाँ पे करंटली जो चल रही है वो परफॉर्मेंस हम देख लें और टेस्ट एडमिनिस्टर करके देख लें, तो उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्शन जो है वो आ जाती है अगर आप इस सूरत में करते हैं। एक तो स्टेटिस्टिकली आपके पास रेंज रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, आपने जो जी सर हम क्राइटेरियन में भी पहले क्राइटेरिया बनाते हैं और कॉन्करेंट में भी हम एक पहले से स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेते हैं, तो सर इसमें फिर वो क्या डिफरेंस आ जाता है? प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की दो टाइप्स हैं एक्चुअली, दोनों टाइप्स में हम क्राइटेरियन बनाते हैं, एक टाइप है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, दूसरी टाइप है कॉन्करेंट वैलिडिटी। ये दोनों क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की टाइप्स हैं, दोनों में क्राइटेरियन बनाते हैं। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में क्राइटेरियन आपका फ्यूचर आउटकम होता है और कंकरेंट वैलिडिटी में जो करंटली आपने टेस्ट बनाया वो, और एक ऐसा टेस्ट जो पहले से स्टैंडर्डाइज है उसी नेचर का, वो जो पहले से इस्टेब्लिश टेस्ट है वो क्राइटेरियन है। समझ आई थी बात? जी 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 सर आ गई। ओके, हम इसमें ये जो दो टाइप्स हैं, एक और आपको कॉन्सेप्ट यहीं पे बता दूं, कुछ ऑथर्स ये कहते हैं हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में जाके कन्वर्जेंस और डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो भी वैलिडिटी की टाइप है, हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेशन इस्टेब्लिश करते हैं। कुछ ऑथर्स के नज़दीक वो भी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की टाइप्स हैं, कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि चूंकि उनमें भी हम असल में एक क्राइटेरियन ही बना रहे होते हैं तो इसको क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कहना चाहिए। ज़्यादातर ऑथर्स उसको कहते हैं कि वो कंस्ट्रक्ट से ज़्यादा करीब है तो इसलिए उसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में होना चाहिए, बल्कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की जो हम आज टाइप्स पढ़ेंगे भी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बहुत सारी जो टाइप्स हैं वो ओवरलैप करती हैं बाकी टाइप्स के साथ, और हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा क्लस्टर है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जिसने बाकी सारी टाइप्स को अपने अंदर कवर किया हुआ है। ये जो चीज़ें एडवांस लेवल पे वहाँ पे मिलती हैं वो कॉन्सेप्ट्स जस्ट चेंज हुए हैं, असल में प्रैक्टिकली काम वही हो रहा होता है जो हम बाकी टाइप्स में पढ़ रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा डिटेल्ड वैलिडिटी। माइक ऑफ करें जी, आपके जो आने हैं तो माइक ऑफ कर दें आपको। इसकी तरफ से आ रहा था ये अना खान को, तो मैंने म्यूट किया है, वो बाप को भी म्यूट किया है, इसके बावजूद भी आ रहा था, इसकी तरफ से आ रहा था। ज्वाइन करते ही आप लोग खुद अपने आप को म्यूट कर लिया करें, अनम्यूट जब कहा जाए तो किया करें कोई बंदा, और सिर्फ CRGR अपने आप को माइक अपने ऑन रखा करें, अगर उनके पास भी शोर आ रहा हो तो कुछ देर के लिए वो भी ऑफ कर दिया करें। ओके जी, तो इसमें अगर दूसरी सूरत जो मैंने कहा कि ऑन ग्राउंड उसी वक्त की
मतलब फ्यूचर का वेट किए बगैर उसी वक्त की परफॉर्मेंस ले ली जाए, तो कुछ लोग ये भी तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है कंकरेंट वैलिडिटी के लिए। तो उसमें रेंज रिस्ट्रिक्शन का इशू आ सकता है, और इवन अगर आपने जो टेस्ट है प्री एस्टेब्लिश टेस्ट उसको भी क्राइटेरियन बनाया है, तो इवन देन रेंज रिस्ट्रिक्शन उसकी जो है वो हमें उसमें फेस करनी पड़ती है। उसमें ये है प्रैक्टिकली कि आपने जिन लोगों पे दोनों टेस्ट एडमिनिस्टर किए हैं वो टेस्ट उन लोगों पे एडमिनिस्टर किए हैं जिनको आप हायर कर चुके हुए थे और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं कुछ अरसे से, वो साल दो साल चार साल का उनका एक्सपीरियंस है, तो जाहिर है उनके रिस्पॉन्सेज अब आप ले रहे हैं, वो रिस्पॉन्सेज उन लोगों के हैं जो हाईली इंटेलिजेंट भी होंगे। असल में क्यों ही हाईली इंटेलिजेंट होंगे, हमारी अजम्पशन ये इसलिए बनेगी कि जब आपने उनको जॉब पे रखा है तो जाहिर है आपने पूरे सैंपल जो एप्लीकेंट थे 1500 या 1500-700 जितने भी एप्लीकेंट्स थे उनमें से बेस्ट लोगों को आपने चूज किया था, तो जो बेस्ट पॉपुलेशन का हिस्सा आपके पास आया है उनके रिस्पॉन्सेज जाहिर है बहुत अच्छे होंगे, वो बेटर जो है वो आपके पास एक पॉपुलेशन मौजूद है, सैंपल मौजूद है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन उसमें हमें फेस करनी पड़ती है। उसका जब हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये इशू तो आता है, लेकिन उसमें हम रिपीटेड मेजर्स कर सकते हैं, कंकरेंट में हम ये रिपीटेड नहीं करते, तो ये एक लिमिटेशन समटाइम्स उसमें एरर का चांस एरर का बाइस बन सकती है इन सम केसेस। अगर आपके पास सैंपल ऐसा है कंकरेंट वैलिडिटी आप किसी और पॉपुलेशन पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं, कोई ऐसी सैंपल है जिसमें आप बहुत बड़ा सैंपल ले सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले सकते हैं, तो वहाँ पे फिर ये रेंज रिस्ट्रिक्शन का इशू नहीं आएगा। ये ऑर्गेनाइजेशंस में ये हमें फेस करना पड़ता है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे होते हैं। रुबाब अख्तर आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। तो हमारे पास कुछ जो है वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हुई वो भी इसी हवाले से कि हमारे पास चूँकि बेटर पॉपुलेशन ये मौजूद है, उनका कॉफिशेंट जो है वो जो आएगा वो उस सारे सैंपल को उस सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा जो एक्चुअल में हमारे पास आनी थी जिनको हमने हायर नहीं किया। ये भी उसी सिचुएशन में है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉइज पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज के साथ काम कर रहे हैं, उसमें वो फिर आपके पास सैंपल है जो कि बेस्ट सैंपल था जिसको आप लोगों ने हायर किया था। हमने प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को डिस्कस करते हुए भी ये बात एक डिस्कस की थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो आपके पास कैंडिडेट्स हैं सबको हायर कर लें, इसलिए कि हमने अपना एक स्केल इस्टेब्लिश किया है उसकी वैलिडिटी इस्टेब्लिश करनी है, और हम रेंडमली भी उसमें से लोगों को हायर नहीं कर सकते रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेने के लिए सिर्फ स्केल की वजह से, क्योंकि हमने उन लोगों को हायर करके सैलरी भी तो देनी है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ये तो नहीं सोचेंगी कि कोई भी बंदा जो है जो डिजर्व नहीं करता उसको जॉब दे दें, तो वो जॉब देने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरियन साथ में और फॉलो कर रहे होंगे जो उस टेस्ट के साथ रिलेट नहीं करता होगा। फॉर एग्जाम्पल वो इंटरव्यू ले लेंगे, उनके मार्क्स की बेस पे उनको हायर कर लेंगे, तो वो जो चीज़ें उस टेस्ट के साथ रिलेट नहीं करती थी उसकी बेसिस पे उन्होंने हायर किया और बेस्ट लॉट उसमें से उन्होंने सेलेक्ट की होगी। तो कंसेप्चुअली फिर हम ये थोड़ा सा हमारे लिए एक हिंड्रेंस होती है कि हम उसके रिजल्ट्स को किस तरह से जनरलाइज करेंगे सारे लोगों पे जो हमारे पास आए ही नहीं, जिनको हमने रखा ही नहीं। लेकिन अगर सैंपल आपके पास अगेन वो ऑर्गेनाइजेशन से हटके एम्प्लॉई से हटके है कोई, तो फिर हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। देन हमारे पास है जी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी डिस्कस करने से पहले आपको कंस्ट्रक्ट का पता होना चाहिए, व्हाट इज कंस्ट्रक्ट, इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट। अगर आप लोगों ने रिसर्च में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कंस्ट्रक्ट का, तो मुझे बताइए कि कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस होता है। एन्ना खान 1 2 7 1 9 एन्ना खान हेलो जी। एन्ना कंस्ट्रक्ट क्या होता है जी? सर कंस्ट्रक्ट में हम आइडिया जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और सर
चलें ठीक है, थैंक यू। आइडिया तो देखें कंसेप्ट में भी होता है, कॉन्सेप्ट भी आइडिया की बेस पे बना होता है ना। कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट में एक डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्ट हमेशा ऑपरेशनलाइज होता है। कॉन्सेप्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैयर हो सके या ना हो सके, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, किसी फिलोसोफर का दिया हुआ कॉन्सेप्ट हो सकता है, किसी रिलीजियस स्कॉलर का दिया हुआ कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, हमारे मजहबी कॉन्सेप्ट होते हैं। अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैयरेबल नहीं होते। जब कॉन्सेप्ट को मैयर करने के काबिल बना दिया जाए, वो मैयर हो सके, देन हम उसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं। कंस्ट्रक्ट हमेशा मैयरेबल होता है। हम साइकोलॉजी में कंस्ट्रक्ट्स की बात इसलिए करते हैं कि वो मैयरेबल हैं। आप कुछ चीज़ें जो हैं वो मैयर नहीं कर सकते, बहुत सारी मखलूकात आपको नज़र नहीं आती, कुछ आपके रिलीजियस बिलीफ्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें आप ऐसी चीज़ों पर बिलीव रखते हैं कि वो हैं लेकिन आपने कभी नहीं देखी, कभी आप उनसे इन टच नहीं हुए, आप उनको किसी टेस्टिंग में नहीं ला सकते, लेकिन आप बिलीव कर रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हैं अपनी जगह पे, लेकिन वो कंस्ट्रक्ट नहीं बन सकते। कंस्ट्रक्ट उस वक्त बनेगा जब वो मैयर होने के काबिल हो जाए, हम उसको मैयर कर सकें। तो आप हम ये जो कंटेंट वैलिडिटी में हमने एक्सपर्ट वैलिडेशन में ये बात डिस्कस की थी कि आप जब आइटम्स अपने भेजते हैं एक्सपर्ट्स को तो साथ एक ऑपरेशनल डेफिनेशन भेजते हैं, वो ऑपरेशनल डेफिनेशन ही असल में कंस्ट्रक्ट बना रही होती है। वो ऑपरेशनल डेफिनेशन की बेस पे आप ये कहते हैं कि ये अब मैयर होने के काबिल हो गया है ये कॉन्सेप्ट, तो उसको कंस्ट्रक्ट कहना शुरू कर देते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दी गई होगी आपके इन हैंड आउट्स में, आपको ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है, ग्रेविटी क्या है, कैसे है, ग्रेविटी के लिए आपको 10 बातें किसी को बताएं तो उसके लिए आपको जो है वो हीर रांझा की कहानियां सुना दें ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों को समझ नहीं आएगी। वो इतने सिंपल उसको जो है वो वर्ड्स में बताना वो इतना आसान है कि जी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो है वो दैट इज़ ग्रेविटी, वो आप उसको जो है वो कन्वर्ट कर दें किसी बिहेवियर में, उसको कन्वर्ट कर दें उसके फंक्शनल यूनिट में कि उसका असल में वो फंक्शन क्या सर्व कर रही है वो ग्रेविटी, तो उसको समझाना बहुत ईजी हो जाता है। तो लाइक वाइज हम ये कहते हैं कि आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके साथ एसोसिएटेड बिहेवियर्स को नोट कर दें। वो बिहेवियर्स चूँकि मैयर करना और उनको देखना ऑब्जर्व करना हर एक के लिए वो इजी है, अप्रोचेबल है, और हम असल में बिहेवियर्स के साथ ही काम कर रहे होते हैं, चाहे वो ओवर्ट बिहेवियर हो चाहे वो कोवर्ट बिहेवियर हो। किसी को नफरत का मतलब समझाना, नफरत के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी अपने व्यूज़ दिए होंगे, फिलोसफर्स ने दिए होंगे, नफरत क्या है, नफरत फलां है, नफरत फलां है, नफरत फलां है। हैप्पीनेस के लिए वो एक मैंने एक दिन एग्जांपल दी थी कि वो सोशल मीडिया पे लिखा होता है व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ टू हैव अ कप ऑफ टी। अब चाहे पीना हर एक के लिए तो हैप्पीनेस नहीं है ना, तो आप उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करते हैं उसके साथ बिहेवियर्स अटैच करके। अब नफरत के साथ बिहेवियर्स क्या क्या अटैच होंगे वो बिहेवियर्स आपको पता है, सोच क्या क्या होगी और आपके एक्शंस क्या क्या होंगे, जो नहीं होंगे वो भी आपको पता है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे चूंकि उससे नफरत है इसलिए मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, तो ये तो आप कभी नहीं बिलीव कर सकते ना कि ऐसा भी होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये बिहेवियर नफरत के साथ अटैच होता नहीं है कि मैं चूंकि उससे नफरत करता हूँ इसलिए मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ। उसके लिए जान तो कोई नहीं देता, उसकी तो जान ली जाती है। तो आपको क्लियरली पता होगा कि किस कॉन्सेप्ट के साथ कौन से बिहेवियर्स एसोसिएटेड हैं, उन बिहेवियर्स को हम चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो ओवर्ट होंगे यानी एक्शन होंगे, वो कोवर्ट हो सकते हैं यानी मेंटल प्रोसेसेस हो सकते हैं, तो वो आपके लिए मेजर करना आसान हो जाएगा, आप उसको ऑपरेशनलाइज कर सकेंगे। तो जब हम इस तरह से बिहेवियर्स के टर्म में बात करते हैं तो वो हमारे कंस्ट्रक्ट होते हैं और हम उनको मेजर करने के काबिल हो जाते हैं। इस कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में जो हम डिफरेंट प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं उसमें वन ऑफ देम इज एज डिफरेंशिएशन। ये प्रोसीजर हम उस वक्त अडॉप्ट करते हैं जब हमारे पास टेस्ट ऐसा हो जिसका एज के साथ कोई ताल्लुक हो, एज के बढ़ने या कम होने से उस टेस्ट के स्कोर्स वेरी करते हों, आइडियली वेरी करना बनता हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, हमारे जो पियाजियम स्केल है और हमारे पास विस्क है, वेज हैं,
जो आईक्यू के टेस्ट हैं, हमारे डेवलपमेंटल हमारे ऐसे टेस्ट हो सकते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं। तो अब हमें पता है, एक डायरेक्शन पता है कि एक तो वेरिएशन आएगी स्कोर्स में एज के साथ साथ, और एक डायरेक्शन का पता है कि वो किस डायरेक्शन में आएगी। सपोज आप एक आईक्यू का टेस्ट 10 साल के बच्चों पे कर रहे हैं, तो वो जितना स्कोर उस टेस्ट पे करेंगे 15 साल के बच्चों को उस टेस्ट पे ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। अब हमें ये पता है कि 15 साल के बच्चों को 10 साल के बच्चों से अलग स्कोर करना है, और डायरेक्शन भी पता है कि ज़्यादा करना है, कम नहीं करना। तो जब वो 10 साल के बच्चे एक स्कोर करें उस टेस्ट पे, 15 साल के बच्चे उससे ज़्यादा स्कोर करें, 20 साल के बच्चे उससे ज़्यादा स्कोर करें, 25 साल के जो एडोलिसेंट्स हैं वो और ज़्यादा स्कोर करें, तो हमारा वो टेस्ट वैलिड टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो एज के बढ़ने से बढ़ती है, हमें ये पता है। अब लोगों को अपनी अपनी एज ग्रुप में अगर एक ही तरह का स्कोर वो टेस्ट दे रहा होता तो फिर हमें पता होना था कि ये असल में इंटेलिजेंस नहीं मैयर करता, ये कुछ और मैयर करता है। क्योंकि इंटेलिजेंस मैयर करता तो फिर इसको हर एज ग्रुप में जिस तरह का उनका स्कोर बढ़ना चाहिए था ये बढ़ा के हमें दिखाता। अगर इसने ये फर्क नोट नहीं किया तो या तो ये टेस्ट कुछ और मैयर कर रहा है, या ये इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि असल में इंटेलिजेंस को सही तरह से टैप कर सके। इसके अंदर जो बिहेवियर्स हमने टैप करने की कोशिश की है शायद वो एप्रोप्रिएट नहीं। तो जो टेस्ट हमारे एज रिलेटेड होते हैं वो उनकी स्कोर्स में एज के साथ सही डायरेक्शन में ये स्कोर्स वेरी करें तो हम ये कहते हैं कि वो एक वैलिड टेस्ट है, असल में वो वही कुछ मेजर कर रहा है। इंटरनल कंसिस्टेंसी का एक मेथड हम जो जिस तरह से हमने रिलायबिलिटी में भी डिस्कस किया था कि हम क्रॉन बैक अल्फा देखते हैं, इंटर आइटम कोरिलेशन देख के अगर वो कंसिस्टेंट होती हैं तो हम ये कहते हैं कि रिलायबल टेस्ट है। तो लाइक वाइज वो रिलायबल होने के साथ साथ वैलिड भी कंसिडर होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनली कंसिस्टेंट आइटम्स जो हैं वो एक वैलिड टेस्ट की भी निशानी है। इस वजह से कि अगर आइटम्स इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं हैं, सारी आइटम्स एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं हैं, तो फिर वो टेस्ट वैलिड नहीं हो सकता। अगर सारी मिलती जुलती हैं तो इसका मतलब सारी की सारी आइटम कोई एक चीज़ ही मेजर कर रही है। वो एक चीज़ कोई भी हो सकती है। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि अगर डिप्रेशन का टेस्ट है और सारी की सारी आइटम्स एंग्जाइटी मेजर कर रही हों तब भी वो इंटरनल कंसिस्टेंसी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन आपने जिस स्टेप से इस टेस्ट को गुजारा है, आपने आइटम पूल जनरेट किया, एक्सपर्ट वैलिडेशन करवाई, कहीं ना कहीं तो आपको ये पता चल जाना था ना कि सारी आइटम्स ही डिप्रेशन के अलावा कुछ और मेजर कर रही हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सारी आइटम्स ही कोई और कंस्ट्रक्ट मेजर कर रही हूँ। एक या दो आइटम्स का इशू तो हो सकता है जो हमें पता नहीं चल सका। तो जब सारी आइटम्स इस तरह से जो है वो उसमें गलत फहमी नहीं रह सकती कि ये किस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए बनाई गई हैं, और फिर जब वो इंटरनली कंसिस्टेंट आ जाएँ तो फिर हम ये शक भी हमारे जहन से निकल जाता है कि इसमें चंद आइटम्स शायद ऐसी ना रह गई हों जो कि ये कंस्ट्रक्ट मैयर ना कर रही हूँ, कुछ और कर रही हूँ। क्योंकि इंटरनल कंसिस्टेंसी आई है तो उसने हमें बता दिया कि ये एक वैलिड टेस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्रॉन बैक अल्फा में इंटर आइटम कोरिलेशन की बात की थी, वन बाई वन आइटम्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप चेक किया जाता है। यहाँ पे आइटम टोटल स्कोर के कोरिलेशन की बात है कि हर आइटम का उस टेस्ट के टोटल स्कोर के साथ रिलेशनशिप, और सेकंड नंबर पे सब टेस्ट का टोटल स्कोर के साथ, यानी आपके जो फैक्टर्स हैं टेस्ट में, एक टेस्ट में अगर 5 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, तो वो हर फैक्टर का उन बाकी सारे टेस्ट के टोटल स्कोर्स के साथ रिलेशनशिप कोरिलेशन हम चेक करते हैं, और इंटर फैक्टर कोरिलेशन भी चेक करते हैं कि हर फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ रिलेशनशिप कैसा है। वो अगर सारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आते हैं तो वो हमारा टेस्ट इंटरनली कंसिस्टेंट टेस्ट होता है। अगर कुछ आइटम्स का रिलेशनशिप नहीं आता तो हम आइटम्स को रिव्यू कर लेते हैं। अगर किसी कंप्लीट फैक्टर का रिलेशनशिप नहीं आता बाकी फैक्टर्स के साथ तो उस फैक्टर को रिव्यू कर लेते हैं। हो सकता है वो फैक्टर एनालिसिस में दोबारा जाके उस फैक्टर को मर्ज कर दें हम बाकी फैक्टर्स के अंदर, या उसको सारी आइटम्स को डिस्कार्ड कर दें और अगेन चेक करें, तो फिर उसका फैक्टर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आ जाएगा और वो टेस्ट इंटरनली बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा और वैलिडिटी उसकी एनहांस हो जाएगी।
correlation with other test, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने concurrent validity में पढ़ा है, जब हम concurrent validity establish करते हैं तो in other sense बहुत सारे authors ये कहते हैं कि असल में उसमें validity भी establish हो रही है, वो असल में construct पे तो वही measure करता है ना, तो इसीलिए उसने आपको जो है वो same result दिए। तो दो चीज़ें उसमें जो है वो confirm हो सकती हैं according to some authors, कि वो criterion related validity भी है, यानी उसमें एक आपने एक criterion बनाया जिसको आपने पुराना establish हुआ वो test use किया, वो आपके लिए क्राइटेरियन का पर्पस भी सर्व कर रहा है, और साथ ही साथ वो ये इंफॉर्मेशन भी तो दे रहा है ना कि चूंकि पुराना टेस्ट जो कि वैलिड और रिलायबल था, जो वो मैयर कर रहा था नया भी अब वही मैयर कर रहा होगा, अब वो जो मैयर कर रहा होगा वो कंस्ट्रक्ट ही है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता, तो एक तरह से वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी उसकी इस्टेब्लिश होती है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन है जी, आपने अगर कोई टेस्ट बनाया है डिप्रेशन के लिए और डिप्रेशन का आपने इलाज करना है, तो आप उस टेस्ट को यूज़ करें, सब पार्टिसिपेंट्स पे आप एडमिनिस्टर करें, उसके स्कोर ले रहे हैं, उसके बाद डिप्रेशन का इलाज करें, डिप्रेशन जिससे ठीक हो, उसकी इंटरवेंशन ऐसी इंटरवेंशन जिससे डिप्रेशन के सिम्टम्स ख़त्म हो जाएँ या कम हो जाएँ, तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद उस टेस्ट को दोबारा एडमिनिस्टर करके देखा जाए, अगर उस टेस्ट ने दोबारा उनका डिप्रेशन कम शो किया तो इसका मतलब वो टेस्ट सही डिप्रेशन ही मेजर कर रहा है, वो वैलिड टेस्ट है, क्योंकि आपने जो दरमियान में इंटरवेंशन दी है उसका इफेक्ट उसने नोट कर दिया, वो इतना सेंसिटिव है और वो वही कुछ मेजर कर रहा है, अगर वो कुछ और मेजर कर रहा होता तो फिर उसमें डिफरेंस ना आता। इस पर रिपीटेड भी आप जो है वो असेसमेंट्स कर सकते हैं। आप सिंपली अगर आपकी क्लास के हवाले से कोई बात की जाए कि जी आपके लिए हमने एक एंग्जाइटी का टेस्ट बनाया है और वो एंग्जाइटी का टेस्ट आप एडमिनिस्टर करें, आपके स्कोर्स हम जो है वो ले लें और उसके बाद आपके अंदर एंग्जाइटी प्रोड्यूस की जाए, आर्टिफिशियली एंग्जाइटी प्रोड्यूस, आपको ये यकीन दिला दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको ये कह दूँ टेस्ट आपसे करवाने के बाद कि भाई इस क्लास के बाद मैं आपको तीन चैप्टर्स के हैंडआउट्स भेज रहा हूँ, ये तीन चैप्टर्स कल तक आपने पढ़ के रखने हैं, कल तीनों चैप्टर्स मैं एक लेक्चर में कवर करवा दूंगा, और आज तक जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा है और जो यूनिवर्सिटी में तीन या चार चैप्टर पढ़े थे सारे के सारे मिला के परसों आपका फाइनल पेपर है, और ये आपको यकीन हो जाए, ये सब टीचर्स की तरफ से ये इतला मिल जाए कि ऐसे ही होने वाला है हर सब्जेक्ट के साथ, तो आप लोगों की एंग्जाइटी दीदनी होगी। 5-10 मिनट के बाद वही टेस्ट आपसे दोबारा फिल करवाया जाए, अगर उस टेस्ट ने पहले से ज़्यादा स्कोर शो किए आप लोगों के तो इसका मतलब वो सही वैलिड टेस्ट है जो कि आपकी एंग्जाइटी ही कैप कर रहा है, क्योंकि इंटरवेंशन जो हमने दी थी दरमियान में प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग के दरमियान में जो इंटरवीन किया उससे आपके स्कोर्स वेरी किए, हमें सबसे पहले वेरिएशन देखनी थी और उसके बाद उस वेरिएशन की डायरेक्शन देखनी थी कि वो क्या है, क्योंकि हमने एंग्जाइटी प्रोवोक की, एंग्जाइटी एनहांस की आप लोगों की, उसके बाद अब एंग्जाइटी उसमें ज़्यादा शो होनी चाहिए थी, तो डायरेक्शन भी वही हो और उसमें वेरिएशन भी हो अकॉर्डिंग टू दी इंटरवेंशन, जो आपको प्रोसेस उसका पहले से पता होगा तो आप उसको जो है वो एक वैलिड टेस्ट कंसिडर कर लेंगे। देन कन्वर्जेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने कहा था कि ये कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंग ये आपके क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में आते हैं, क्योंकि इसमें भी हम एक क्राइटेरियन बनाते हैं और बहुत सारे ऑथर्स इसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का पार्ट कंसिडर करते हैं। आप कन्वर्जेंस में बेसिकली ये देखते हैं कि जिन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करना चाहिए वो रिलेट करें, अगर वो रिलेट करना चाहिए वो रिलेट कर रहे हैं देन कन्वर्जेंट वैलिडिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, और जिन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट नहीं करना चाहिए वो रिलेट ना करें तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इस्टेब्लिश होती है। आपको पता है कि आईक्यू का और एकेडमिक अचीवमेंट का पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, रिसर्चेस बताती हैं, कॉमन सेंस बताती है, प्रीवियस लिटरेचर बताता है, तो आप अगर आपने एक इंटेलिजेंस का टेस्ट डिवेलप किया है और उस टेस्ट की कन्वर्जेंट वैलिडिटी आपने इस्टेब्लिश करनी है तो आप उसके साथ अचीवमेंट का कोई टेस्ट यूज़ कर लें या एकेडमिक ग्रेड्स वैसे स्टूडेंट्स के ले लें और आपस में उसको रिलेट कोरिलेट करके देखें, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन आता है तो इसका मतलब आपका जो आईक्यू का टेस्ट आपने बनाया है उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, क्योंकि इसको अचीवमेंट के साथ कोरिलेट करना चाहिए था, पॉजिटिवली कोरिलेट करना चाहिए था और इसने किया।
अब अगर आप ये देखें कि कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ हमारे वेरिएबल्स ऐसे हो सकते हैं जिनका आईक्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, आईक्यू का आपकी हाइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कहीं भी इसका जिक्र नहीं आ सकता। वो कुछ लोग कहते हैं जी जो लंबे लोग होते हैं उनकी अकल पता नहीं कहाँ पे होती है, तो वो अब मिथ साबित हो चुका। अब हम ये कहेंगे कि आईक्यू का हाइट के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब अगर आपने आईक्यू का टेस्ट बनाया, उसको हाइट के साथ, अपनी पार्टिसिपेंट्स की हाइट के साथ रिलेट करके देखें, उसका कोरिलेशन चेक करें, उसका कोरिलेशन उसके साथ नहीं आना चाहिए, इनसिग्निफिकेंट आना चाहिए, वीक भी आना चाहिए। अगर ये ऐसा ही होता है, क्योंकि ये इसके साथ रिलेट नहीं करता था वेरिएबल के साथ आपका आईक्यू का कंस्ट्रक्ट, और इसने वाकई स्टैटिस्टिकली रिलेट नहीं किया, देन डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी उसकी इस्टेब्लिश हो जाएगी। लास्ट में है जी फैक्टर एनालिसिस या फैक्टोरियल वैलिडिटी। ये फैक्टर एनालिसिस वो एनालिसिस है जो हम टेस्ट डेवलप करते हुए लाजमी ये करते हैं, और इससे जो हमारी फैक्टोरियल वैलिडिटी भी इस्टेब्लिश हो जाती है। हम जब भी टेस्ट डेवलप करते हैं, न्यूली डेवलप टेस्ट हमारे पास आता है, हम पायलट टेस्टिंग करते हैं, एक्सपर्ट वैलिडेशन करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम डाटा कलेक्शन करते हैं फॉर फैक्टर एनालिसिस। वो हर टेस्ट में जब हमने नया टेस्ट डेवलप किया तो ये लाजमी करते हैं। नॉर्मली हम ये करते हैं कि अगर 100 आइटम का टेस्ट है तो आप 500, 600, 700 यानी 5, 6 और 7 टाइम ग्रेटर देन द नंबर ऑफ आइटम्स आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको आप SPSS पे एंटर करें, फैक्टर एनालिसिस उसका रन करें। स्टार्ट में हम एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस EFA ही करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसके फैक्टर स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है, उसकी आईजीन वैल्यूज, सारे फैक्टर्स के टोटल कितने फैक्टर्स हैं वो आप उसके जो है वो स्क्रीन प्लॉट से डिटरमिन कर लेते हैं, और जो फैक्टर्स हैं वो आपको जो फैक्टर एनालिसिस देता है स्ट्रक्चर उसका, कि ये आइटम्स वो इकट्ठे करके क्लस्टर बना के आपको दिखा देता है कि ये आइटम्स जो आपस में सबसे ज़्यादा कोरिलेट कर रही होती हैं वो एक फैक्टर में शो करवाता है। उसको नाम हम बाद में फिर नेचर ऑफ आइटम देख के देते हैं, उसका फैक्टर का नाम हमने क्या रखना है। फैक्टर एनालिसिस आपको जस्ट जो रिलेटेड इंटर रिलेटेड आइटम्स हैं उनको आपस में एक जगह पे क्लस्टर करके आपको शो करवा देगा। अब आपने वहाँ पे ये देखना है कि कुछ आइटम्स डूबियस आइटम्स तो नहीं है, 2-4 आइटम हर टेस्ट में, 100 आइटम का टेस्ट है तो डूबियस आइटम्स हो सकती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आइटम्स ऐसी हैं जो कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स पे शो हो रही हैं तो इसका मतलब कि वो आइटम्स प्रॉब्लमेटिक हैं, वो सही आइटम्स जो है वो कंस्ट्रक्ट से हटके हैं, वो कंफ्यूजिंग हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही, उस पर रिस्पॉन्सेज वेरी कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के, इस वजह से उनका कोई फैक्टर क्लियर नहीं हो रहा। तो फैक्टर स्ट्रक्चर को हम क्लियर करते हैं, उन आइटम्स को रिवाइज करते हैं या हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आइटम स्ट्रक्चर अगर आपका क्लियर होता है, डूबियस आइटम्स बहुत कम हैं और फैक्टर में आप आइटम की लोडिंग 0.3 और 0.4 से ज़्यादा आपने रखी हुई है, तो आपका क्लियर पिक्चर जो उसकी फैक्टर्स की है आइटम वाइज वो आपको बता देती है कि ये कंस्ट्रक्ट कितना क्लियर है। उसकी वैलिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाती है जितना उसका स्ट्रक्चर क्लियर होता चला जाता है और इंटर फैक्टर कोरिलेशन उसका जो है वो क्लियर होता चला जाता है। क्रॉस वैलिडेशन हम अगली क्लास में कर लेंगे, हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स रहते हैं, इस दौरान अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप रेज कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर मैं ऑफ कर रहा हूँ। जी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। क्रॉस वैलिडेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं मारो प्राचा। आपकी आवाज नहीं सही आई, थोड़ा ऊंची बोलो। हेलो, ये मुझे महसूस हो रहा है कि आप हेलो कह रहे हो लेकिन आवाज। मुस्कान ज़िया, थोड़ी सी आई है, कोई क्वेश्चन पूछोगे आप? नो सर। नहीं सर, फिर माइक ऑफ ही रहने देते। अक्सा याज, हेलो
क्वेश्चन अलीना जी आर जी सर तो मैंने क्या बोला निकाल ली सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है बाकी की तरफ से पूछो आपका सर बाकी की तरफ से भी कोई नहीं है समझ आ गया आप लोगों को जी सर ये पॉसिबल है सर हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे बाकी बाद में नहीं सर पूछने के जी सर होंगे होंगे सर है और कोई लड़का नहीं नजर आ रहा किसी ने ज्वाइन नहीं किया फजल के अलावा तो कल रात बारिश हुई थी तो काफी लोगों को इंटरनेट इशू आ रहा है लाइट नहीं थी सुबह से बारिश हुई थी तो सारे लोग ठीक है थे लड़के इसलिए नहीं क्लास हमारी भी लाइट का इशू था सुबह रिजॉल्व हो गया जब एनीवेज और कोई बात कुछ डिस्कशन करनी हो आप लोगों ने कर सकते हैं अदरवाइज करना मीटिंग अपन कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी ओपन होंगी फाइनल्स के लिए उम्मीद की जा सकती है आप दुआ करें इस बीमारी से हमारी जान बख्शी हो जाए फिर इंशाल्लाह इंटरव्यू आप लोग के हम भी आएंगे सर जी कोई आवाज आई थी सर एना खान बोल रही थी जी सर मेरा एक क्वेश्चन है सर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में हम सिर्फ कोरिलेशन देखते हैं ना कि मतलब कोरिलेट कर रहा है कि नहीं तो सर इसके अलावा उसका और क्या यूज है मतलब उसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि कोई टेस्ट जो है वो कोरिलेट कर रहा है या नहीं बस हम सारी रिलायबिलिटी वैलिडिटी की टाइप्स में रिलेशनशिप ही तो देख रहे हैं और यहाँ पे कन्वर्जेंस और डिस्क्रिमिनेशन में भी रिलेशनशिप देख रहे हैं फर्क सिर्फ ये है कि अगर रिलेशनशिप होना चाहिए तो वो हो नहीं होना चाहिए तो ना हो होना चाहिए और है तो आपकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी हो गई और नहीं होना चाहिए और नहीं है तो आपकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हम सारी टाइप्स रिलायबिलिटी वैलिडिटी हर जगह पे रिलेशनशिप ही तो देख रहे हैं सर तो इतना राइट सा कहा कि जैसे ये सिर्फ इतना काम करना तो किसी खाते में नहीं आता नहीं सर जैसे अगर कन्वर्जेंट है कोई टेस्ट तो सर वो फिर आगे यूज भी तो हो सकता है ना जी बिल्कुल हो सकता है तो सर फिर डिस्क्रिमिनेंट में तो बस यही हो गया ना कि वो सिर्फ रिलेशनशिप देखने तक की मतलब रहा है वो आगे यूज तो नहीं मतलब हम कर सकते वो नहीं यूज कर सकते क्या मतलब आपकी कंक्लूजन क्या है मुझे ये नहीं समझ रही आप शायद ये देख रहे हैं कि आप सिर्फ हाइट के साथ हमने रिलेशनशिप देखा जो एग्जांपल दी थी मैंने आप कोई ऐसा टेस्ट कोई ऐसा वेरिएबल का टेस्ट लें जो कि उस वेरिएबल से एसोसिएटेड नहीं है आपने दोनों को डिस्क्रिमिनेट करके देख लिया रिलेशनशिप शो नहीं हुआ आपने डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश कर दी लेकिन टेस्ट तो दोनों अपनी अपनी जगह यूज होते रहेंगे क्यों नहीं होंगे डिप्रेशन का टेस्ट अपनी जगह पे यूज होता रहेगा आपके जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसका अपनी जगह पे होता रहेगा आपकी इंटेलिजेंस क्या है वो अपनी जगह पे होता रहेगा आपने डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश